रामलीला कृष्ण लीला देखी है, लेकिन अब हम लोग जब नानक लीला देख रहे हैं तो हम लोग ये पूरे सब लोग अब रामलीला और कृष्ण लीला भूल जाएंगे। ये वंड के खाने वाले, बांट कर खाने वाले और लूट कर खाने वाले लोगों के बीच में ये संघर्ष चल रहा है। हम लोग पंजाब से नहीं लड़ेंगे पानी के लिए। जी, तो अगर हमें पानी की जरूरत रहेगी तो हम अपना पानी जो दिल्ली में जा रहा है उसको हम रोक देंगे। क्योंकि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, पंजाब की खुद नहरें वो खाली चल रही हैं, वो सूखी चल रही है। विदेश की साथ संगत में एडवोकेट हरप्रीत सिंह जमालपुर वालों वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, अज असी इतने सिंघू बार्डर के उत्ते कुंडली बार्डर के उत्ते जिदा हमने नामकरण होया 26 नवंबर 2020 सिंह बार्डर दिल्ली। इस बार्डर के उत्ते किसान मजदूर एकता संघर्ष जिहड़ा चल रहा, ये जिहड़े मोदी ते अमित शाह ने बीजेपी की RSS की सरकार ने तीन खेती के कानून जिहड़े कि वह कहिंदे ने कि किसानां दे हित वास्ते असी लागू किए ने, जबकि वह है किसान मारू ने, उन्हां खेती कानूनों के विरोध में जिहड़ा संघर्ष चल रहा पिछले 26 नवंबर तो असी उहदे विच शामिल होण लई अज इत्थे आए हैं। और मेरे नाल हरियाणा तो यूनियनिस्ट मिशन वालों एडवोकेट मनोज सिंह दूहन जिहड़े कि अज तो एक साल पहला मनोज कुमार दूहन सी, और एक साल दे विच ही यह सिक्खी सिद्धांत गुरमत सिद्धांत नूं समझदे होए सिक्खी वल नूं इन्हां ने आपदा मोड़ा पाया। सत श्री अकाल। तो मैं चाहुंदा कि मैं हुण तुहाडी रूबरू करावां एडवोकेट मनोज सिंह दूहन नूं, और भाषा की थोड़ी दिक्कत आ क्योंकि हरियाणे दे ते राजस्थान दे सरदार मनिंदर सिंह मान आए हुए ने, तो अपनी जिहड़ी गलबात आ इह उहनां तक भी जाणी आ, हरियाणे च भी जाणी आ, राजस्थान भी जाणी आ, पूरे देश विच जाणी आ। तो मैं हिंदी दे विच ही इहनां नाल अगली गलबात करूँगा। हाँ जी, एडवोकेट मनोज सिंह दूहन जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी इस मोर्चे विच। थैंक यू सर। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह। अच्छा एडवोकेट मनोज सिंह दूहन जी, तुसी इस जिहड़ा किसान मजदूर संघर्ष चल रहा, एक गल उगड़ के सामने आई आ नवंबर ते दिसंबर के महीने में कि जिहड़े सरकारां ने एडे आपस में साढ़े पवाड़े पाए हुए सी पंजाब ते हरियाणा दे विच, एक SYL नहर का दूजा चंडीगढ़ का राजधानी का, तुसी इस मामले दे विच अपनी की राय देना चाहते हो कि तुसी की महसूस करते हो इन्हां दो जिहड़ियां दिक्कतां पैदा कीतियां होईयां ने सरकारां ने, तो जिहड़ा अज दा इत्थे माहौल चल रहा ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ। ਦੇਖੀਏ, SYL ਇੱਕ ਨੋਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਦਿਨ ਜੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਵੋ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਹੁਆ ਜੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਰ ਸੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਰ ਸੇ ਧਿਆਨ ਬਾਟਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਨੋਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਮੇਂ ਸੇ SYL ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ। अदरवाइज हरियाणा का पानी जो है वो मुनक नहर से होते हुए दिल्ली में जा रहा है जी। तो अगर हमें पानी की ज़रूरत रहेगी तो हम अपना पानी जो दिल्ली में जा रहा है उसको हम रोक देंगे। हम लोग पंजाब से नहीं लड़ेंगे पानी के लिए, क्योंकि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, पंजाब की खुद नहरें वो खाली चल रही हैं, वो सूखी चल रही हैं जी। इसलिए पंजाब से तो केवल हमें SYL के मुद्दे पर हम लड़ें पंजाब से और ये किसान संघर्ष ख़त्म हो जाए। इस रणनीति के तहत गवर्नमेंट और बीजेपी और RSS के लोग कल हरियाणा में उपवास पर बैठे थे जी। लेकिन हरियाणा के आम जनता ने, हरियाणा के किसानों ने इस संघर्ष को जो बीजेपी उठाना चाह रही थी, जो झूठा संघर्ष बीजेपी उठाना चाह रही थी, इसे सिरे से नकार दिया जी। और यहाँ तक कि मजाक किया गया कि रोहतक में या सोनीपत में या पानीपत में बाढ़ आ गई है, कि बीजेपी जो है उसकी वजह से बाढ़ आ गई, SYL का पानी नाके टूट गए, वो बीजेपी RSS वाले ये हरियाणा के अंदर ले आए हैं पानी को और हरियाणा बाढ़ में डूब गया SYL के। तो यहाँ तक कि हरियाणा के लोगों ने इस तरीके का मजाक भी किया, जबकि हम लोग इस संघर्ष पे अड़े हुए हैं और इस संघर्ष को हम लोग निश्चित तौर पर जीत कर जाएंगे, चाहे SYL का मुद्दा हो या इस तरीके से जो भी मुद्दे बीजेपी उठाती रहे। अब लोगों की ये भी समझ में आ गया है कल से कि SYL का मुद्दा
केवल हरियाणा पंजाब को लड़वाने के लिए वो सियासतदानों ने खड़ा किया था। ये बात हरियाणा के लोगों को समझ में आ चुकी है और हरियाणा और पंजाब की अब हम लोग हरियाणा नहीं कहते, हम कहते हैं हरियाणवी पंजाब, हरियाणवी पंजाब। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। तो अब हरियाणवी पंजाब और पंजाब को ये समझ में आ चुका है कि ये पॉलिटिकल इशू है, ये आम जनता का इशू नहीं है। इसलिए SYL का मुद्दा तो जमींदोज हो गया है, SYL का मुद्दा खत्म हो गया है। और जिस दिन हरियाणवी पंजाब और पंजाब क्योंकि एक हो रहे हैं, जिस दिन हम लोग दोबारा से इकट्ठे हो गए, जैसे 1966 से पहले हम लोग इकट्ठे थे, तो जिस दिन हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन हम गंगा के दरिया के पानी को भी हरियाणा में मोड़ के ले आएंगे। उस दिन हम पंजाब के अंदर ले आएंगे इस पानी को भी मोड़ के, हरियाणवी पंजाब के अंदर ले आएंगे। तो हमारी ताकत बड़ी है। SYL का मुद्दा केवल एक सियासी मुद्दा। यहाँ जो संघर्ष चल रहा है इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जात हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पंजाब हरियाणा राजस्थान यूपी बिहार दूर कर्नाटका केरला और बंगाल तक के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो असल में जो बीजेपी की 2014 से सरकार चल रही है, जो यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, धर्मों को आपस में लड़ा रहे हैं, जातों को आपस में लड़ा रहे हैं, क्षेत्र के लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। जैसे अभी आपने बुलाया कि 1 नवंबर 1966 के पहले का पंजाब जो महापंजाब था जिसमें पंजाब हरियाणा और हिमाचल था, अगर आप इकट्ठा कर देते हो तो हमारी जो ये पॉलिटिशियन जो राजनीतिक लोग हैं जो हमारा ये मामला खड़ा किया हुआ है SYL का या चंडीगढ़ की राजधानी का, तो अपने आप में बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। तो जब लोग चाहते हैं कि ये सारा इकट्ठा हो जाए तो सरकार क्यों चाहती है कि ये सरहदें ऐसी बनी रहे, इस सोच के पीछे आप क्या समझते हो? क्या कारण ये है कि जो धन देगा वो धुन बजवाएगा जी। जो धन देगा वो धुन बजवाएगा जी। अब बीजेपी को RSS को मोदी को अडानी और अंबानी धन दे रहे हैं जी। तो वो अपनी धुन बजवाएंगे और इस वजह से मोदी उनकी धुनों पर नाच रहा है जी। इस वजह से RSS जो है वो अडानी और अंबानी की धुनों पर नाच रही है, बीजेपी गवर्नमेंट उनकी धुनों पर नाच रहे हैं और उसी तरीके से नाच रहे हैं जैसे सपेरे की बीन के ऊपर सांप नाचता है। तो ये हमारी नहीं सुनेंगे, ये तो हमारे से उलट काम करेंगे जो हमारा फायदा होगा। देखिए पूरा पंजाब ये कह रहा है कि हमें इन कानूनों की ज़रूरत नहीं है, पूरा हरियाणवी पंजाब कह रहा है हमें इन कानूनों की ज़रूरत नहीं है। ये क्यों हम पर थोप रहे हैं? माने फेडरल सिस्टम जो है उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं इस मुल्क में जी। जी हम नहीं चाह रहे, लेकिन ज़बरदस्ती सेंटर की सरकार हम पर ये थोप रही है। इसलिए थोप रही है क्योंकि ये अडानी और अंबानी की नीतियों पर चलने वाले लोग हैं, इनको जमीन से किसानी से मतलब नहीं है जी। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा, जो सोशल मूवमेंट में इस तहरीक का सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि हरियाणा के लोग भी अब सिक्खी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। यही सवाल मैं आपसे करने वाला था। इसमें आप क्या समझते हो कि इतने दिन से 26 नवंबर से चल रहा है, आज कितनी तारीख हो चुकी है, 21 तारीख हो चुकी है, आज तक कोई भी किसी तरह की लूटपाट नहीं हुई है, कोई किसी भी तरह की हिंसक कार्रवाई या कोई अप्रिय घटना यहाँ पर नहीं घटी है। लोग इतने प्यार से, अगर मेरे पास स्वेटर है साथी के पास नहीं है, मेरे पास जो जैकेट या मेरे पास कंबल है साथी के पास नहीं है, तो मैं खुद अपनी मर्जी से उसको दे रहा हूँ। अपने से ज़्यादा लोगों का लोग ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न? इसके पीछे बाबा नानक की सोच काम कर रही है। बाबा नानक ने कहा कि नाम जपो किरत करो और वंड के खाओ। तो ये वंड के खाने वाले लोग हैं और ये जो आज संघर्ष चल रहा है ये वंड के खाने वाले बांट कर खाने वाले और लूट कर खाने वाले लोगों के बीच में ये संघर्ष चल रहा है। बिल्कुल सही बात। और यहाँ जो जो जिस अनुशासन से चल रहा है ये संघर्ष, ये 550 साल की ट्रेनिंग है जी। ये 550 साल की ट्रेनिंग है जिस ट्रेनिंग को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। और हरियाणा हरियाणवी पंजाब के लोग भी जो यहाँ आए हैं इस संघर्ष में जो शामिल हुए हैं और सिखों से जो सिखों को देख रहे हैं वो भी इस चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं कि हम लोगों को भी अब सिक्खी में आना चाहिए, क्योंकि सिक्खी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरी मनुष्यता को एक कर सकता है, पूरी मनुष्यता को एक कर सकता है, पूरे भारत के सामाजिक मूवमेंट्स को, बहुजन मूवमेंट को, पूरे भारत के मनुवाद के खिलाफ मूवमेंट को, पूरे भारत के अंबानी अडानी की जो तानाशाही है उसके खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है तो वो सिक्खी ही लड़ सकती है। और यही वजह है कि आज हरियाणवी पंजाब के लोग, हम लोग अब सिक्खी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मैं खुद हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ लेकिन मैं सिख बन गया। हमारे जितने साथी हैं वो सब बाबा गुरमीत सिंह जी गौरव जी की प्रेरणा से
बाबा नानक की कृपा से और आप लोगों के संघर्ष की वजह से पूरा हम लोग सिख बन गए। हमें समझ में आया कि हम लोग जिस हिंदू धर्म में हैं वो हिंदू धर्म एक षड्यंत्र है, वो हमारे काम नहीं आएगा, क्योंकि जितने मंदिर हैं एक भी मंदिर में कोई लंगर नहीं चला हुआ, एक भी मंदिर नहीं खुला हुआ है कि जो यहाँ किसानों के लिए कोई मदद करे, लेकिन जितने गुरुद्वारे हैं वो सारे गुरुद्वारे सेवाएं कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को जो सर छोटू राम जी कहा करते थे कि अब भोले जमींदार तू मेरी दो बात मान ले, एक ले बोलना सीख, दूसरा दुश्मन पहचान ले। हमें अपने दुश्मन की पहचान हो चुकी है और हमें अपने दोस्त की पहचान भी, हमें हमारे भाई की पहचान भी हो चुकी है। तो हम ये समझ चुके हैं कि सिक्खी में रहकर ही हम लोग इस देश में आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज तो हमारा जो है नामो निशान मिट जाएगा। और अल्लामा इकबाल को कोट करते हुए सर छोटू राम जी कहा करते थे कि बका की फिक्र कर नादा, बका माने भविष्य, बका की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशविरे हैं आसमानों में, जरा देख उसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है, धरा क्या है अहदे कोहन की दास्तानों में। अहदे कोहन माने पुरानी बातों में क्या रखा है कि हमारी इतनी हवेलियां हुआ करती थी, या हम इतने अमीर हुआ करते थे, या हम इतने नवाब हुआ करते थे, तो धरा क्या है अहदे कोहन की दास्तानों में, तू लज्जत फरियाद पैदा कर, तू लज्जत फरियाद पैदा कर, खिजर का पंजाब पैदा कर। लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलिक खिजर हयात खान टिवाना साहब जो पंजाब के प्राइम मिनिस्टर बने थे यूनियनिस्ट पार्टी से, तो तू खिजर का पंजाब पैदा कर, जमी पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में, न समझेगा तो लुट जाएगा ए दुनिया के अंदाता, तेरी तो दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तेरी तो दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तो हम लोग अपने दुश्मन को पहचान चुके हैं, हम लोग दोस्त को पहचान चुके हैं और हम लोग अब सिक्खी की तरफ अग्रसर होंगे, सिख बनेंगे, पूरा हरियाणवी पंजाब सिक्खी की राह पर चलेगा। और निश्चित तौर पर अब तक हम लोगों ने रामलीला कृष्ण लीला देखी है, लेकिन अब हम लोग जब नानक लीला देख रहे हैं तो हम लोग ये पूरे सब लोग अब रामलीला और कृष्ण लीला भूल जाएंगे, केवल बाबा नानक की लीला इस धरती पर चलनी है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।